जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सवितृष्णाहूर्णं मंगलं भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीते राग बिज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भावे अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोचे उपाव यही मोचे उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित यह अनुपम महान कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के दूसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें हम संसार अवस्था के स्वरूप पर विचार कर रहे हैं कि इस अनादि से जो हमको कर्म बंधन रूपी रोग लगा हुआ है, इसके कारण हमारी वर्तमान में कैसी अवस्था हो रही है। उन अवस्थाओं को जानकर हमारा यह प्रयोजन है कि हमको ये निश्चित तो हो कि हाँ वास्तव में हमको ये कर्म बंधन रूपी रोग है। इसका निश्चय करना आवश्यक है, क्योंकि रोग का निश्चय होने के बाद ही रोग का उपाय किया जा सकता है। इसीलिए हम इस रोग के कारण होने वाली वर्तमान में जो हमारी अवस्थाएं हैं उन पर विचार कर रहे हैं कि ये जो अवस्थाएं हमारी हो रही हैं वो इसी रोग के कारण हो रही हैं, और इसीलिए वास्तव में हमको ये रोग है। ऐसा इससे साबित भी होगा, ऐसा इससे हमको जानने समझने को मिलेगा। तो इसमें हमने अभी चार कषाय मोहिनीय कर्म पे हमारी बात चल रही है कि मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था कैसी होती है। उसमें हमने पहले दर्शन मोहिनीय का देखा, फिर चारित्र मोहिनीय पे हमारी बात चल रही थी, तो जिसमें चार कषाय जो क्रोध मान माया लोभ उनके कारण हमने देखा कि हमारी कैसी कैसी अवस्था होती है। उसके बाद उनके जो चार चार भेद बनते हैं अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण संचरण, उनके बारे में भी हमने देखा कि एक हमने मोटे मोटे रूप में देखा कि अनंतानुबंधी क्या है, अप्रत्याखानावरण क्या है, प्रत्याखानावरण क्या है, संचरण क्या है। इसके बाद अगला पैराग्राफ है इस पेज पे, पेज नंबर 40। अनादि संसार अवस्था में इन चारों ही का निरंतर उदय पाया जाता है। कि कौन से चारों का? कि अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण संचरण, इन चारों का अनादि से संसार अवस्था में हमारे निरंतर उदय पाया जाता है। चार ये और चारों के चार चार यानी कि 16, इन 16 की 16 का निरंतर उदय पाया जाता है। परम कृष्ण लेस्या रूप तीव्र कषाय हो वहां भी, और शुक्र लेस्या रूप मंद कषाय हो वहां भी,
निरंतर चारों ही का उदय रहता है। देखो कितनी गजब की लाइन लिखी है पंडित जी ने ये, कि चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय हो, लेकिन इन चारों का, कि जो अनंतानुबंधी अप्रत्यय खनावरण आदि हैं, इन चारों का उदय निरंतर रहता है। कि अब चाहे परिणाम कृष्ण लेश्या रूप है चाहे वो परिणाम शुक्ल लेश्या रूप है, लेकिन दोनों ही केस में इन चारों का निरंतर उदय पाया ही जाता है। देखो हमारे माइंड में ये रहता है कि यदि कषाय मंद रूप हो रही है तो हमारे अप्रत्यय खानावरण नहीं हो, प्रत्यय खानावरण नहीं हो, अनंतानुबंधि नहीं होगी, ऐसा होगा, ऐसा एक माइंड सेट है हमारा कि हाँ यदि कषाय मंद है तो हमारे ये कषाय नहीं है, यदि कषाय तीव्र है तो ये कषाय है। लेकिन वास्तव में चाहे तीव्र कषाय हो चाहे मंद कषाय रूप भाव हो, इनका उदय निरंतर पाया जाता है। और इसीलिए वास्तव में मंद कषाय को बंद का कारण कहा, आचार्य कुंद कुंद ने पुण्य पाप अधिकार में इस मंद कषाय को हे कहा, तो उसका रीजन यही है कि उस मंद कषाय के समय भी निरंतर चारों का उदय तो रहता है। इसीलिए मंद कषाय भी हमारे लिए उपाधि नहीं है, मंद कषाय भी मुक्ति का कारण नहीं है, मंद कषाय तो वास्तव में बंद का ही कारण है, इस संसार में भ्रमण का ही कारण है। देखो अनंतानुबंधी आदि तो भेद है वो तीव्र कषाय या मंद कषाय को लेके नहीं है, कि तीव्र कषाय है तो ये भाव है, मंद कषाय है तो ये भाव है, क्योंकि ये जो भेद हैं ये तो सम्यक्त्व आदि का घात करने की अपेक्षा से होते हैं, कि सम्यक् दर्शन आदि का घात कर रहे हैं तो अनंतानुबंधी है, यदि एक देह चारित्र का घात कर रही है तो अप्रत्यय खानावरण है, सकल चारित्र का घात कर रही है तो वो प्रत्यय खानावरण है, और वो सकल चारित्र में दोष लगा रही है तो वो संजलन है। तो उनके जो भेद हैं वो तीव्र या मंद रूप नहीं है, इसीलिए इन दोनों ही केस में इन चारों का उदय तो निरंतर पाया ही जाता है। देखो पंडित जी लिख भी रहे हैं आगे कि क्योंकि तीव्र मंद की अपेक्षा अनंतानुबंधी आदि भेद नहीं है, सम्यत्व आदि का घात करने की अपेक्षा यह भेद है। इन्हीं प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग उदय होने पर तीव्र क्रोध अधिक होते हैं, मंद अनुभाग उदय होने पर मंद होते हैं। इतना है उनमें विशेष कि यदि हमारी कषाय तीव्रता लिए हुए है तो हमें जो आगे बंद होगा वो भी तीव्रता लिए हुए होगा, और यदि मंद कषाय है तो आगे जो बंद है वो भी मंद रूप से जैसा बंद होगा वैसा बंद होगा। तो वहां अंतर आ जाता है तीव्र और मंद में, लेकिन चारों का उदय निरंतर रहता है चाहे तीव्र कषाय हो या मंद हो, है ना। इसीलिए देखो इसीलिए आचार्य कुंद कुंद ने भी कि जब पुण्य और पाप को हे कहा तो उसका एग्जाम्पल भी क्या दिया, कि एक लोहे की सांकल एक सोने की सांकल, और दोनों का ही कारण क्या है, बांधना। तो जहां पर बंधना हम कहें कि बंध से छूटना नहीं हो पा रहा हो, मीन्स हम कहें कि जहां बंधना ही पड़ रहा हो, तो वहां लोहे की सांकल से क्यों बंधना, सोने की सांकल से बंधना, लेकिन बंधना उचित नहीं है, बंधना उपाधि नहीं है। तो ऐसा ही यहाँ है कि यदि कषाय से रहित जब तक ना हुआ जा रहा हो तब तक तीव्र कषाय रूप नहीं होना, मंद कषाय रूप रहना, लेकिन मंद कषाय रूप रहना भी उपाधि नहीं है, क्योंकि मंद कषाय रूप रहना भी बंध का ही कारण है। तथा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन दो एक का उदय होता है, फिर चारों का अभाव हो जाता है। देखो मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन का उदय रहता है, फिर दो का रहता है, फिर एक का रहता है। तो सबसे पहले कौन सी नष्ट होती है, अनंतानुबंधी। कि अनंतानुबंधी नष्ट हुए बिना अप्रत्यय खानावरण या प्रत्यय खानावरण नष्ट नहीं हो सकती, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक आगे क्या आगे की क्रिया नहीं हो सकती, कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं है, जब तक श्रद्धा हमारी सही दिशा में नहीं है, जब तक हमारा परिणमन एक सही दिशा में नहीं हो रहा है, तब तक हमारा ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या नाम पाता है। देखो कितनी गजब बात है कि जो चाहे 11 अंग का ज्ञान हो वो भी मिथ्या नाम पाता है जब तक श्रद्धा सही नहीं हो, और श्रद्धा सही हो जाए तो तुझसे मास भिन्न इतना सा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाता है। तो ये किसके कारण संभव है, कि श्रद्धा में सम्यक पना हुआ, इसीलिए ज्ञान में ऑटोमेटिकली
सम्यकपना आ गया। और देखो उसी समय चारित्र में भी सम्यकपना आ जाता है। एक वो चारित्र नगण्य रूप से रहता है चौथे गुण स्थान में, सम्यक दर्शन के साथ में वो आगे वृद्धि को प्राप्त होता है। एक देश का त्याग, फिर सकल, मतलब एक देश चारित्र का पालन, फिर सकल चारित्र का पालन, वो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होता है। लेकिन विशेषता यह है कि सम्यक दर्शन होते ही ज्ञान और चारित्र भी सम्यक रूप हो जाते हैं, और सम्यक दर्शन नहीं हो तो ज्ञान और चारित्र भी मिथ्या नाम ही पाते हैं। उसको तो आचार्य उमाश्यामी ने कि सम्यक दर्शन के बिना जो तप आदि है, जो चारित्र है, उसको बाल तप कहा। उमाश्यामी ने तत्व सूत्र में कहा है कि वो बाल तप है। तो इसी अपेक्षा से कहा है कि जब तक तो सम्यक दर्शन नहीं है तब तक वह भी मिथ्या नाम पाते हैं, और सम्यक दर्शन होते ही वो भी सम्यक नाम पाते हैं। तो इसीलिए मोक्ष मार्ग होने पर, और मोक्ष मार्ग कब होता है? सम्यक दर्शन होने पर ही। क्योंकि देखो पंडित दौलत राम जी ने लिखा ना कि मोक्ष महक की प्रथम सीरी या भी ज्ञान चरित्रा, कि मोक्ष महक की पहली सीरी सम्यक दर्शन ही है, उसके बिना ज्ञान और चारित्र नहीं होते। तो मोक्ष मार्ग तभी होता है सम्यक दर्शन होता है। तो ऐसा मोक्ष मार्ग होने पर इन चारों में से तीन का उदय होता है, यानी कि पहले दंतानुबंधी का नष्ट हो जाता है, बाकी तीन का उदय रहता है। फिर पंचम गुण स्थान में अपत्याखनावरण का नष्ट हो जाता है, तो फिर दो का उदय रहता है। और फिर छठवें सातवें गुण स्थान में प्रत्याखनावरण का भी नाश हो जाता है, तो एक का उदय रहता है। और फिर दसवें गुण स्थान में जाके संजनन का भी जब नाश हो जाता है, तो फिर चारों का अभाव हो जाता है। तथा क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। देखो जो क्रोधादि चार कषाय हैं कि क्रोध मान माया लो, देखो अनंतानुबंधी अप्रत्याखानावरण प्रत्याखानावरण संजरण, ये चार एक हैं, और क्रोध मान माया लो इन चार का पेयर एक है। उन चारों का चार चार का पेयर बन जाता है, लेकिन अभी हम उन चार का एक पेयर और इसे क्रोध मान माया लो का एक पेयर। तो जो अनंतानुबंधी वाला पेयर है वो तो प्रति समय उदय में रहता है, कि ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी उदय में है और प्रत्याखनावरण उदय में ना हो उस समय। वो तो पूरा पेयर एक साथ आता है कि जो अनंतानुबंधी अप्रत्याखनावरण प्रत्याखनावरण संचरण है, इसका पेयर तो मीन्स ये चारों तो प्रति समय उदय में रहती हैं। लेकिन जो क्रोध मान माया लोभ है वो चारों एक साथ उदय में नहीं रहते, एक काल में एक ही उदय रहता है, कि या तो क्रोध का रहेगा या मान का रहेगा या माया का रहेगा या लोभ का रहेगा, लेकिन चारों में से एक का रहेगा। और उधर अनंतानुबंधी आदि चारों का प्रति समय उदय रहता है। तो वही पंडित जी कह रहे हैं कि क्रोधादिक चारों कषायों में से एक काल में एक ही का उदय होता है। इन कषायों के परस्पर कारण कार्यपना है। कारण कार्यपना कैसे है? कि लोभ हो रहा है तो हो सकता है लोभ से मानादि हो जाए, लोभ से क्रोधादि हो जाए, लोभ से माया हो, क्योंकि देखो लोभ होने पर जीव मायाचारी करता है। लोभ होने पर जीव को किसी चीज को पाने का लोभ है, तो उसको ना पाने के केस में उसको क्रोध भी हो जाता है। तो ऐसे, और जब क्रोध होता है तो क्रोध में मानादि हो जाते हैं, कभी मान के कारण क्रोधादि हो जाते हैं। तो ऐसे परस्पर कारण कार्यपना है कि एक के कारण दूसरा हो जाता है, दूसरे के कारण तीसरा हो जाता है, तीसरे के कारण पहला हो जाता है। तो ऐसे इनमें परस्पर कारण कार्यपना है। क्रोध से मानादिक हो जाते हैं, मान से क्रोधादिक हो जाते हैं, इसीलिए किसी काल में भिन्नता भाषित होती है, किसी काल में भाषित नहीं होती। देखो परस्पर कारण कार्यपना है, इसलिए कभी कभी को हमको भिन्नता भाषित हो जाती है कि लोभ हुआ, लोभ के कारण क्रोध हुआ। और कभी कभी भाषित भी नहीं होती है कि कब हमको उस वस्तु के प्रति लोभ हो गया और कब उस वस्तु को मीन्स उस वस्तु को दूर करने वाले संयोगों के प्रति हमको उसी समय क्रोध भी हो गया। उसी समय का मतलब अगले समय, लेकिन समय पकड़ने में नहीं आता है। तो किसी काल में भिन्नता भाषित हो जाती है कि लोभ हुआ है, अब क्रोध हो गया, और कभी भाषित नहीं होती। इस प्रकार कषाय रूप परिणमन जानना, कि इस प्रकार इस कषाय के उदय से कारण इस जीव की अवस्था पाई जाती है। अब ये विचार करना कि इन चारों कषायों के उदय से जो पंडित जी ने अवस्था बताई, तो वो अवस्था हमको होती है कि नहीं होती, उस पर हमको विचार करना है। अभी देखो ये जो चारित्र मोहिनी के वेद हैं 25 हैं, उसमें से 16 की बात हो गई।
जो अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालो, अप्रत्याखानावरण क्रोधमान मायालो, प्रत्याखानावरण क्रोधमान मायालो, संजरण क्रोधमान मायालो। तो इन 16 कसायों की बात हो गई, अभी 9 कसाय बची हैं, तो उनके बारे में पंडित जी बता रहे हैं आगे। तथा चारित्र मोह के ही उदय से 9 कसाय होती है। देखो ये ही शब्द जो है ना, ये ही शब्द हर जगह उपयोग में नहीं आता है। ही शब्द बस यही है ऐसा बताने के लिए उदय में आता है, कि जैसे कहते हैं ना कि इसका कारण तो यही है, ये काम तो इसी ही ने किया है। मीन्स एक तो हम कहें कि ये काम किसने किया है, या एक हम एक निश्चित रूप से कहें, एक पूरे विश्वास से कहें कि हाँ ये तो इसी ने किया है, ये तो इस ही के कारण हुआ है, ये तो ऐसा ही होता है ऐसा। तो ही शब्द है वो इसके उसमें आता है। तो इसलिए जो चारित्र मोह के ही उदय से 9 कसाय होती है, कि चारित्र मोह के ही उदय से, कि ऐसा नहीं दर्शन मोहिनी के उदय से या किसी और के उदय से, चारित्र मोह के ही उदय से ऊपर की कसाय होती हैं और चारित्र मोह के ही उदय से 9 कसाय होती है। तो 9 कसाय कौन सी हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो ये 9 कसाय हैं। ये देखो पंडित जी ने पहले बता चुके हैं कि ईषत नाम पाते हैं, यानी कि अल्प कसाय हैं, ईषत कसाय बताया था पंडित जी ने। तो ये 9 कसाय चारित्र मोह के ही उदय से होती हैं। वहां हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, तथा रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है, तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर आपीति करता है, वहां उद्वेग रूप होता है, तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्ट पना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है, तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता, तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। देखो क्या कहना है पंडित जी, कि हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है। देखो ये है ना, हम क्या करते हैं कि हास्य को कसाय मानते ही नहीं है। देखा जाए तो कि यदि हास्य को हमने कभी कसाय नहीं माना, हम तो मजाक में कितना हंस लेते हैं, मजाक में काफी कुछ कर लेते हैं। देखो कसाय का परिणाम तो प्रति समय करते ही हैं हम तो, और ऐसा नहीं हास्य के काल में भी ये क्रोधादि कसाय तो कुछ ना कुछ अंशों में रहती हैं। मीन्स अनंतानुबंधी आदि कसाय तो रहती ही हैं, तो कुछ अंशों में क्रोध मान माया लोभ में से एक तो उदय रहती रहती है। तो हास्य के उदय से कहीं इष्टपना मानकर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, कि कहीं हमको कुछ अच्छा लगा, इष्ट रूप हुआ, कि कुछ हमको इष्ट संयोग हुए, तो वहां पर प्रफुल्लित होता है, खुश होता है। लेकिन वास्तव में ये संयोग तो सारे जो हैं वो पुण्य पाप के जनित हैं। मीन्स पुण्य पाप के उदय जनित हैं, कि जैसा हमारा उदय होगा उसके अकॉर्डिंग संयोग मिल जाते हैं। तो इष्ट संयोग मिले या अनिष्ट संयोग मिले, तो वास्तव में तो हमें समता भाव रखना चाहिए, कि ना तो हर्ष ही मानना चाहिए ना द्वेष ही मानना चाहिए, कि ऐसा नहीं अनिष्ट संयोगों में द्वेष करें और इष्ट संयोगों में हर्ष माने। तो ऐसा कि हास्य के उदय से इष्टपना मांग कर प्रफुल्लित होता है, हर्ष मानता है, रति के उदय से किसी को इष्ट मान कर प्रीति करता है। देखो इष्टपना हास्य में भी मान रहा है और रति में भी मान रहा है, लेकिन हास्य में तो वो इष्टपना मान कर प्रफुल्लित हो रहा है, वहां पर खुश हो रहा है वो, लेकिन रति के उदय में उस इष्ट संयोग में प्रीति कर रहा है वो, कि जो हमको इष्ट संयोग मिला हास्य के उदय में, तो उसने वह खुश हो गया कि हाँ इष्ट संयोग हमको उपलब्ध हुआ, बस इतना। लेकिन रति के उदय में वो उसमें प्रीति कर रहा है, उसमें प्रीति भाव रख रहा है, वहां आसक्त हो रहा है, उसको ग्रहण करने की उसको इच्छा हो रही है, उसमें उसको प्रीति भाव हो रहा है। तो रति के उदय से किसी को इष्ट मानकर प्रीति करता है, वहां आसक्त होता है, तथा अरति के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर आपीति करता है, वह उद्वेग रूप होता है। और कहीं पर जब अरति का उदय होता है तो किसी को अनिष्ट मानता है,
ये संयोग मेरे लिए अनिष्ट हैं, ये संयोग मेरा बुरा करने वाले हैं, ये संयोग तो दूर होने चाहिए, ऐसा तो उनको मान के वहाँ अप्रीति भाव रखता है, वहाँ उद्वेग रूप होता है, मीन्स उनको दूर करना चाहता है, वहां से उदास होना चाहता है, वहां से हटना चाहता है। तथा शोक के उदय से कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। देखो शोक को भी है ना हम कषाय नहीं मानते, ये जो 9 कषाय है ना हम ऊपर की कषाय को कषाय मान लेते हैं, क्रोध मान माया लोग को, लेकिन वास्तव में जो ये 9 कषाय हैं इनको हम कषाय नहीं मानते। चाहे वो हास्य हो, चाहे वो रति हो, चाहे अरति को तो एक घड़ी फिर भी मान सकते हैं, लेकिन हास्य को, रति को, शोक को, भय को, जुगुप्सा को, इनको हम कषाय मानती नहीं है। देखो हास्य के काल में कभी हमको विचार नहीं आता कि हम कषाय कर रहे हैं, किसी से प्रीति भाव होता है उस काल में हमको ये विचार नहीं आता कि हम कषाय भाव कर रहे हैं। शोक के भय में कि हमारा कोई हम कहें कि इष्ट वियोग हुआ हो या अनिष्ट संयोग हुआ हो, तो एक इष्ट वियोग में शोक होता है ज्यादा, अनिष्ट संयोग में तो भय होगा, इष्ट वियोग में हमको शोक होता है तो दिलगीर होता है कि मान लो कि सब कुछ लुट गया, जीव ऐसे शोकग्रस्त हो जाता है कि मान लो उसका सब कुछ लुट गया हो। लेकिन वास्तव में विचार यदि हम करें ना, तो जो ये शोक आदि के कारण बनते हैं, जो ये अरति आदि के कारण बनते हैं, इस काल में ही ये परीक्षा होती है कि वास्तव में हमें तत्व ज्ञान कितना है, वास्तव में हमारा चिंतन मनन कितना है, वास्तव में हमें जिनवाणी माँ को कितना ग्रहण किया है। पढ़ना तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन जिनवाणी माँ को पढ़ने से काम नहीं चलता है, उस पर चिंतन मनन करना, उसको ग्रहण करना कि कितना हमने उस पर चिंतन मनन किया, कितना हमने उसको ग्रहण किया, वो उपयोगिता है, वही वास्तव में स्वाध्याय है। तो शोक के उदय में कहीं अनिष्टपना मानकर दिलगीर होता है, विषाद मानता है। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। अब वो भय किसी भी तरह का हो सकता है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे साथ ये कर देगा, मेरे साथ ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे डरता है। और देखो विचार हम करें ना, तो जैसे हमको जब कोई डर लग रहा हो किसी चीज़ का, तो उस समय हमारे माइंड में विचार में ये नहीं आता कि हम कषाय भाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी कषाय भाव है, शोक करना भी। तथा भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, तो भय करना भी कषाय है, किंतु वो भय किस चीज का करना, जैसे किसी को मरने का भय है। देखो 7 भय होते हैं ना जिनका समय दृष्टि को समय दृष्टि के नाश हो जाता है, मरने का भय है, इस लोक का भय है, परलोक का भय। देखो मरने का भय कैसा, क्योंकि जीव के पास तो जीवत्व शक्ति है, अस्तित्व गुण का वो धारी है, तो वो मरने की तो बात ही नहीं है कि कोई इसको मार दे, और फिर क्रमबद्ध अनुसार जो होना है वो तो होगा ही, होने योग्य ही होता है, तत्समय की योग्यता पे होता है और क्रमबद्ध अनुसार होता है, तो मैं डरना कैसा। फिर यदि ये सिद्धांत समझने आ जाए तो ना इस लोक का भय रहे, ना परलोक का भय रहे, ना कहीं का भय रहे, और इसीलिए समय दृष्टि को इन सप्त भयों से मुक्ति हो जाती है, मीन्स सप्त भयों का नाश हो जाता है, सप्त भयों से वो दूर हो जाते हैं। तो भय के उदय से किसी को अनिष्ट मानकर उससे डरता है, उसका संयोग नहीं चाहता। तथा जुगुप्सा के उदय से किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उससे घृणा करता है, उसका वियोग चाहता है। देखो किसी पदार्थ को अनिष्ट मानकर उसके घृणा करता है, जैसे मान लो किसी रास्ते से जा रहे हैं और वहां पर बहुत बेकार स्मेल आ रही हो, तो हम क्या है वहां से दूर होना चाहते हैं, उस जगह से घृणा करते हैं कि भाई ये जगह तो ऐसी है, यहाँ तो ऐसी स्मेल आती है, तो यहाँ से नहीं जाना, उसका वियोग चाहता है कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी मैं यहाँ से दूर चला जाऊं। लेकिन ऐसे समय में हम ये विचार नहीं करते कि हम कषाय भाव कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उस समय भी हम कषाय भाव कर रहे होते हैं। तो इन सब चीजों का विचार हमको प्रति समय करना चाहिए, प्रति समय हमें जो भी संयोग मिले, चाहे वो इष्ट रूप हो, चाहे वो अनिष्ट रूप हो, चाहे वो कैसा भी हो, उस काल में हमारा परिणाम कैसा हो रहा है, उस परिणामों की संवार हमको करनी चाहिए। इस प्रकार ये हास्य आदि 6 जानना। अब 3 वेद वाले हैं कि वेदों के उदय से काम परिणाम होते हैं।
कि जो ये वेद हैं उनके उदय से काम परिणाम होते हैं जीव को, तो वहां स्त्री वेद के उदय से पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और पुरुष वेद के उदय से स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है तथा नपुंसक वेद के उदय से युगपत दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। तो जिस समय स्त्री वेद का उदय है उस समय पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा होती है और जब पुरुष वेद का उदय है तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है और जब नपुंसक वेद का उदय है तो दोनों से रमण करने की इच्छा होती है। देखो ये जो वेद हैं ऐसा नहीं है कि स्त्री को स्त्री वेद होता हो, पुरुष को पुरुष वेद होता हो, नपुंसक को नपुंसक वेद होता हो, यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं है। पुरुष को भी स्त्री वेद का उदय हो सकता है, स्त्री को भी पुरुष वेद का उदय हो सकता है और स्त्री को भी नपुंसक वेद का उदय हो सकता है, पुरुष को भी नपुंसक वेद का उदय हो सकता है, नपुंसक को भी स्त्री वेद का या पुरुष वेद का उदय हो सकता है। तो है ना यहाँ पर ये मिस्टेक होती है, बहुत लोग है ना इसमें गलती कर देते हैं कि इन वेदों को ही वो उस पर्याय रूप मान लेते हैं कि स्त्री वेद है तो स्त्री के लिए है, पुरुष वेद है तो पुरुष के लिए है, नपुंसक वेद है तो नपुंसक के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई सा भी वेद किसी को हो सकता है, क्योंकि देखो प्रत्यक्ष भी हम यदि वर्तमान की घटनाओं पर विचार भी करें तो हम देख सकते हैं कि पुरुष की स्त्री के साथ, पुरुष के साथ दोनों के साथ रमण की इच्छा हो सकती है। वर्तमान घटनाएं बनती भी हैं, सुनने में आती भी हैं, है ना। तो और स्त्री वेद के भी, स्त्री को भी स्त्री वेद का उदय भी हो सकता है, पुरुष वेद का भी उदय हो सकता है कि उसकी भी दोनों के साथ रमण की इच्छा हो सकती है। तो ऐसा प्रत्यक्ष देखने में भी आता है, इसीलिए किसी को किसी का वेद हो सकता है, तो उन वेदों के अनुसार रमण की इच्छा होती है। तो ऐसे वो काम के जो परिणाम है वो इन वेदों के उदय से होते हैं। इस प्रकार ये नौ तो नौ कषाय हैं, नौ तो नौ कषाय। देखो नौ कषाय का मीनिंग ये नहीं है कि नौ कषाय, वो नौ कषाय में जो नौ है वो तो ईषद वाचक है, मीन्स अल्प कषाय को बताने वाला है कि अल्प कषाय है। नौ कषाय का अर्थ ऐसा नहीं कि देखो ये संयोगी है कि नौ कषाय नौ और वो नौ ही है, लेकिन नौ कषाय का अर्थ में जो नौ है वो अल्प को बताने के लिए है। इस प्रकार ये नौ तो नौ कषाय है, यह क्रोधादि शरीर के बलवान नहीं है कि जैसा क्रोधमान माया लोभादि है उसके जैसी बलवान नहीं है, इसीलिए इन्हें ईषद कषाय कहते हैं। यहाँ नौ शब्द ईषद वाचक जानना इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। देखो मैंने कहा ना कि जब ये नौ कषाय होती है उस समय क्रोधमान माया लोभ में से कोई ना कोई सा उदय रहता है, तो उन पंडित जी ने वही कहा है आगे कि इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। कितना टाइम हो गया इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, वो टॉपिक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसको पैराग्राफ को आगे समझेंगे फिर। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। इसको ले लेते हैं पैराग्राफ को कि इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं कि जो ये मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था चल रही थी इसमें एक तो दशम मोहिनीय के कारण मिथ्यादादि भाव पंडित जी ने बताए थे और चायत मोहिनीय के कारण कषाय भाव बताए थे, तो उन दोनों का कंक्लूजन दे रहे हैं पंडित जी एक तरह से कि इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं, सो यही संसार के मूल कारण है कि संसार के मूल कारण तो यही है मिथ्यात्व कषाय भाव, और उन दोनों में से भी यदि निर्णय करना हो तो मिथ्यात्व ही संसार का मूल है, तो यही संसार के मूल कारण है, इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है और दुख का कारण भी यही है क्योंकि संसार भ्रमण में दुखी है, सुख का तो नामो निशान भी नहीं है, तो जिसके कारण दुख है उसका कारण मिथ्यात्व कषाय भाव है, तो इन्हीं के कारण जीव दुखी है और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है। देखो पंडित जी क्लियर कट कह रहे हैं कि मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय भाव होते हैं, यही संसार के मूल है, इन्हीं के कारण जीव दुखी हो रहा है, इन्हीं के कारण आगामी कर्म बंध हो रहा है,
इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है, कि जो राग द्वेष मोह है वो सब इसी का नाम है। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है, क्योंकि मोह रूपी मदिरा तो जिसने पी ली वो तो सावधानी का अभाव रहता ही है। तो ये मिथ्यात्व का नाम मोह है। तथा देखो जो बाकी की कषाय है उनमें राग और द्वेष से डिवाइडेशन होता है, कि जो 25 कषाय हैं उनमें देखो मिथ्यात्व नाम तो मोह में दे दिया कि राग द्वेष मोह 3 नाम बताए हैं, तो मिथ्या तो उसकी 3 प्रकृति हैं वो तो मोह में चली गई। और जो बाकी की 25 हैं चारित मोहिनी की, उनको राग द्वेष में हम डिवाइड करते हैं तो 13 और 12 ऐसे आती हैं। देखो वो आगे पंडित जी बताएंगे, बता रहे हैं कि तथा माया लोभ कषाय, कि क्रोध मान माया लोभ में से माया और लोभ कषाय, और जो 9 कषाय हैं उनमें से हास्य रति और 3 वेदों का नाम राग है। देखो माया भी जो है वो इष्ट रूप से होती है, मीन्स अच्छा लगता है तब होती है। लोभ भी राग रूप से होता है, हास्य भी इष्ट रूप मान के होता है, रति भी में भी हम इष्टपना मानते हैं, और जो 3 वेद हैं तीनों वेदों में भी इष्टपना माना जाता है। कि स्त्री वेद का उदय है तो जैसे पुरुष के साथ रमण की इच्छा है तो वहाँ इष्ट पने मान के रमण की इच्छा हो रही है, पुरुष वेद है तो वहां भी स्त्री के साथ रमण की इच्छा है तो वो भी एक इष्टपना मान के हो रही है, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण की इच्छा है तो वो भी क्या बोल सकते हैं वहां भी इष्टपने रूप मान के हो रही है। तो इसीलिए माया लोभ कषाय और हास्य रति और 3 वेद इनका नाम राग है, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है। तथा क्रोध और मान कषाय और अरति शोक भय जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। देखो क्रोध में मान में अनिष्ट रूप से द्वेष पाया जाता है, और जो ये अरति शोक भय जुगुप्सा है तो इनमें भी अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मोह है क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। तो इस प्रकार ये मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था है। वास्तव में विचार करें कि हमको ऐसी अवस्था है कि नहीं है, वास्तव में जो ये अवस्था बताई है क्रोध मान मीन्स सबसे पहले दर्शन मोहिनी के कारण मिथ्यात्व अवस्था बताई थी कि जो जैसा मानता है वैसा, जो जैसा है वैसा नहीं मानता है, विपरीत रूप परिणमन करता है, इत्यादि बातें बताई थी। फिर क्रोध मान माया लोभ के कारण अवस्थाएं बताई, फिर ये 9 कषाय के कारण अवस्थाएं बताई। तो हम ये विचार करें कि वास्तव में हमको ऐसी अवस्था होती है कि नहीं होती है, वास्तव में हमारा अभी जो परिणमन हो रहा है वो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि जैसा पंडित जी ने बताया है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम विचार करें और उसको दूर करने का प्रयास करें कि हमारा परिणाम समता रूप भरें। इसको मोहिनीय कर्मोदय जन्य अवस्था को जान के एक उस कर्म बंधन रूपी रोग का निश्चय होता ही होता है, लेकिन समता भाव धारण करने का भी निश्चय होता है कि वास्तव में ये परिणाम करने योग्य नहीं है, वास्तव में तो यही परिणाम संसार के कारण है, यही दुख के कारण है, यही आगामी कर्म बंध के कारण है। इसीलिए संसार के मूल को नष्ट करें, इसलिए ऐसे परिणाम हम नहीं करें जिससे हम दुखी हों और आगामी कर्म बंध बंध के आगे दुखी हों। ऐसे परिणामों को हम नहीं करें, अपने परिणामों की प्रति समय संभाल करें और समता रूप परिणामों को बढ़ाएं, ऐसी भावना के साथ अभी यहीं तक करते हैं। अब कल हम अंतरा कर्मोदय जन्य अवस्था और आगे की देखेंगे। अभी किसी को यहाँ तक कोई शंका हो तो पूछ लें, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सजा सदा देते हूँ ढो, सदा देते हूँ ढो। पंच परमिष्टि के स्मरण पूर्वक 9वां नौका मंत्र का जाप करते हुए कायोत्सर्ग करेंगे।